गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू दी क्लास ट्वेंटी फोर स्वागत है आप सभी का इस एकदम बेहतरीन और बढ़िया सी क्लास के अंदर और आज के सेशन में छोटा सा आज का मतलब सेशन थोड़ा छोटा रहने वाला है क्योंकि मैं सिर्फ आपको करंट अफेयर्स के क्विज जो है वो करा रही हूँ जीके वाला पार्ट हम जो है वो 26 को मिलिट्री एक्सरसाइज कर ही रहे हैं और स्टैटिक जीके वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आपकी कल की क्लास में इंक्लूड कर लूंगी ठीक है तो आज छोटा सेशन होने वाला है सिर्फ टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका रीजन ये है कि आज उन्ही टेन में काफी दो बड़े बड़े टॉपिक आ रहे हैं तो उनको एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा टाइम आपका लग ही जाएगा है ना इसीलिए दिस द ओनली रीजन वरना आपको पता है मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है ना चाहे साइंस के हैं चाहे जीके के हैं लेकिन आज दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी भी हैं और उनके ऊपर थोड़ा फोकस होके चीजों को लर्न करना है सिर्फ इसीलिए स्टार्टिंग जीके का सैम्पल नंबर है ये आप देखिए सैम्पल पेपर करते जाइए जो भी क्वेश्चन है टेन ट्वेंटी फिफ्टी आगे में इसमें आपका बड़ी क्लास भी लूंगी जैसे हमने एक पीछे लिया था ना सी एच एस एल से सी एच एस एल वाले पेपर से पहले फाइव हंड्रेड एमसी की उसका मैराथन वैसा भी आपका बहुत जल्दी मैं लेने वाली हूँ Tony को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन की हवाएं आपकी घूम रही केमिस्ट्री बायो एनसीईआरटी के बेसिस पे एग्जाम्पर न्यूमेरिकल डायग्राम एनवायरमेंटल साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हंड्रेड फ्री टेस्ट आपको मिलने वाले विच इज एट फोर नाइन नाइन प्राइज राइट दिस इज लोएस्ट एंड दिस इज बेस्ट क्वालिटी जो आपको क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों इतना ज्यादा कंटेंट इतने ज्यादा टेस्ट इतने ज्यादा क्वेश्चन और इतनी ज्यादा क्लासेस प्लस इतने कम प्राइस में यू हार्डली गेट इट राइट हंड्रेड टेस्ट का मतलब है हर दिन क्वेश्चन जो है वो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव आने वाले हैं आपके पास तो हंड्रेड टेस्ट आप अगर दे रहे हो और ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आपके हर एक टेस्ट में आई रहे हैं हालांकि उनमें से कुछ वो भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिनकी आपको मैं पीडीएफ दूंगी तो आप पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो वो भी टेस्ट आपका हो जाएगा तो हंड्रेड टेस्ट में हर दिन आपके पास मिनिमम तो होगा ही होगा ना पच्चीस क्वेश्चन तो जीरो जीरो क्वेश्चन आपको वैसे टेस्ट में मिल जाएंगे एंड अपार्ट फ्रॉम इट मैं भी आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है ना अच्छा हाँ कंप्यूटर कर लेते हैं बीच में मेरे पास जैसे एकाधि सेशन मुझे कराना है तो लेट्स डी लेट्स डू कंप्यूटर सेशंस टुमारो ठीक है चलो ये वाली चीज ठीक है कंप्यूटर के क्वेश्चन में आपको कल करा देती हूँ और ये बैच आपको अभी ज्वाइन कर लो में क्योंकि आफ्टर टू वीक्स मतलब इस संडे के बाद इंतजार करोगे तो वन ट्रिपल नाइन अभी साइंस पढ़ना है तो यहाँ पे पूरा आप कंप्लीट कर लो साइंस इंजीनियरिंग की क्लास ऑलरेडी बेसिक इंजीनियरिंग की क्लास आपकी ऑलरेडी चल रही है भाई बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो आपकी क्लास है ना सीबीटी टू में जो पेपर आता है ए के लिए जो स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है उसकी क्लास आपकी ऑलरेडी चल रही है इंजीनियरिंग ड्राइंग की शुभम सर आपको करा रहे हैं वो भी सेम प्राइस पे फोर नाइनटी नाइन वो आप ज्वाइन कर लो

जनरल ऑफ सिविल सिविल एविएशन एविएशन के मिनिस्टर कौन है ये भी मुझे बता दीजिए अभी हाल ही फिलहाल आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री में सिविल एविएशन के मिनिस्ट्री कौन सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है ये और डायरेक्टर जनरल डायरेक्टरेट जनरल जो अभी बनाया गया है वो किसको बनाया गया है दोनों आंसर्स मुझे आप दे दो आई ऑफिसर से ही हैं और याद रखिए ये या आई ऑफिसर है 1993 के के बैच इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि एग म्यूट एग म्यूट करके ना आपकी एक स्टेटमेंट दी जाती है आपका एक जो आ, स्टे, कुछ स्टेट्स हैं जो आपकी आती हैं जो काफी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे पुलिस वालों को डिप्लॉय करना काफी मुश्किल होता है जिसमें से आपकी अरुणाचल प्रदेश ठीक है गोवा मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज ठीक है उसके अलावा यूनियन टेरिटरी डीजीसी जो है वो मेन रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में सिविल एविएशन के लिए तो अभी हाल ही फिलहाल जो है वो विक्रम देव दत्त करके याद रखिए ये आपके इससे पहले एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड के सीएमडी uh, हैं ये अभी उससे पहले सीएमडी है आई ऑफिसर हैं विक्रम दत्त और इनको अभी डीजी बनाया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अगर आपसे यहाँ पे मिनिस्टर पूछा जाता है तो मिनिस्टर सिविल एविएशन के कौन है ज्योतिरादित्य सिंधिया ठीक है ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन के मिनिस्ट्री जो है वो इनको दी गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया को इससे पहले इनके फादर जो है वो हमेशा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में ही रहे हैं है ना तो ये उनकी एक तरीके से सीट है मतलब जो ज्योतिरादित्य को मिल गई है अच्छा ये बताइए सेवेंटी फोर्थ अभी आपका जो रिपब्लिक डे होने वाला है छब्बीस तारीख को परसों उसकी पूरी तैयारी चल रही है रिहर्सल और ये सारा चल रहा है आपका सेवेंटी फोर्थ ठीक है गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे परेड जो होने वाली है उसमें इस बार कितनी टोटल टैबलेक्स जो हैं वो भी डिस्प्ले की जाएंगी कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा इसकी पूरी जो आपका टेबल एक्स है वो आ गया है तो मैं इसके क्वेश्चन आपको डिटेल में करा दूंगी ऑन 26 जनवरी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेंगे आगे की क्लासेस में 26 जनवरी के बाद मैं आपको इसकी फुल लिस्ट करा दूंगी 26 जनवरी स्पेशल जो है ऐसे करके आपकी एक क्लास आने वाली है तो इस बार जो आपका ये होने वाला है उसका नाम चेंज कर दिया गया है रिपब्लिक डे परेड जो होती थी वो इंडिया गेट के सामने होती है प्रेसिडेंट हाउस से लेके इंडिया गेट प्रेसिडेंट हाउस आपका बना हुआ है अरावली की पहाड़ियों के ऊपर है ना भारत में अरावली की पहाड़ियां राजस्थान वाली एक्सटेंड होके आती हैं और राष्ट्रपति हाउस अरावली पहाड़ियों पे बना है अरावली पहाड़ियां खत्म होती हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस तक लास्ट ठीक है राष्ट्रपति भवन से जो Uh, जो परेड जाती है वो राष्ट्रपति भवन से लाल किला होते हुए पूरा मार्च करती है uh, मतलब इंडिया गेट पे पहले जाती है फिर लाल किले तक जाती है वहां पे जाके खत्म हो जाती है ये जो परेड है इसमें कुछ uh, थीम रखी जाती है और स्टेट्स या फिर कोई डिपार्टमेंट या डिवीजन या कोई भारत की स्कीम जो अभी बहुत अच्छा करी है उसकी टैबलेक्स होती है तो अभी इसको कर्तव्य पथ बोला जाता है राष्ट्रपति से लेके जो इंडिया गेट तक का रास्ता है उसको कर्तव्य पथ बोलते हैं भारत सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ

नार्कोटिक डिपार्टमेंट जो है आपका वो इस बार स्पेशल अपनी टेबल टेबलेक्ट्स देगा मतलब एनसीबी ने इससे पहले कभी भी अपनी जो अपनी झाकी जिसे कहते हैं ना वो नहीं आई है कभी भी इनकी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जिसका एग्जाम आप एसएससी से, से देते हो और उसके आप नारकोटिक्स के इंस्पेक्टर भी बन सकते हो उनकी झांकी जो है वो एन इस बार पहली बार रिपब्लिक डे की परेड में दिखाने वाली है अगेन याद रखिए कि टोटल आपकी टेबल टेबलेक्ट्स में कितनी टेबल टेबलेट्स या कितनी झाकी आने वाली है तेईस उत्तर प्रदेश की बोल रहे है कि इस बार सबसे बड़ी झांकी फिर से यूपी की ही है और लगातार तीसरी बार यूपी जो है वो भी इस बार भी अयोध्या राम मंदिर को दिखाने वाली है और इस बार अयोध्या के दीपोत्सव राइट अयोध्या में जो दीप दीपावली मनाई जाती है दीपावली पे जो दीप दीपावली से पहले जो दीप जो जलाए जाते हैं पूरा प्रज्वलित किए जाते हैं उसी चीज को ये इस बार भी दर्शाने वाले हैं तो रिपब्लिक डे परेड आपकी 26 जनवरी 2023 यहाँ पे होने वाली है वुमेन एम्पावरमेंट की थीम के साथ राइट तेईस करके याद रख लो ट्वेंटी थ्री डिटेल में आपको पूरी ट्वेंटी सिक्स जनवरी के बाद नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी इन विच स्टेट द बिजनेस राइट बी टू जीरो ठीक है बी टू जीरो इंसेप्शन मीटिंग इज हेल्ड बिजनेस बी टू जीरो इंसेप्शन जो है ना वो आपकी कहाँ दे, देव दीपावली जिसे कहते हैं ना वही वाली बिजनेस वाली मीटिंग ये फिर से आपकी जी ट्वेंटी की है तो मैंने आपको कल भी बताया है कि आपको अब तक काफी सारी मीटिंग्स जो है वो पढ़नी पड़ेंगी मैंने इसकी आज टेबल भी तैयार की है मैं आपको इसकी टेबल भी दूंगी कुछ आगे की क्लासेस में तो जी ट्वेंटी जो है ना उसके अंडर में बिजनेस ट्वेंटी गांधीनगर में होने 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 वाली 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 है 24 है और आज चौबीस तारीख है ना हो चुकी तेईस जनवरी चौबीस जनवरी को ये मीटिंग जो है वो आयोजित करनी होनी थी तो आपकी गांधीनगर गुजरात के अंदर इस मीटिंग को कंडक्ट करा लिया गया देखो बिजनेस और गुजरात एक ही बात है ना है ना यहाँ पे आपको पता है कि गुजराती आधा गुजरात इज द मोस्ट लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग महाराष्ट्र जिसका जीडीपी रेट सबसे ज्यादा है गुजरात जो है वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भारत के अंदर दे रहा है आपका कोई स्टेट जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अभी लोगों को दे रहा है वो है गुजरात एमपी और महाराष्ट्र जिसमें गुजरात इज गोइंग टू बी नंबर वन सून ये मीटिंग आपकी जो है ये पीयूष गोयल जी के द्वारा अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा ये तीन कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए उसके अलावा इंडिया के शेयर पास जैसे अमिताभ कांत टाटा सन्स के जो चेयरपर्सन हैं वो ये सारे लोग जो है वो इसमें इंक्लूड होने वाले हैं और भारत के लिए पीपीपी मॉडल पे काम करने वाले हैं हाउ मेनी आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार व नेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र विनर्स ठीक है एक तो परमवीर दिवस आपको पता है मनाते हैं उसके बाद आपको पता है कि अंडमान एंड निकोबार 567 आइलैंड्स छोटे 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 अगर हम काउंट करें तो अंडमान एंड निकोबार आपका साउथ लिटिल और मिडल अंडमान के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार से अलग है आपका मतलब इट इज सेपरेटेड और अंडमान एंड निकोबार में अभी कुछ आइलैंड को नंबर ऑफ आइलैंड को परमवीर चक्र के जो विजेता है उनके नाम पे रखा गया बाकी इस आइलैंड का पूरा नाम जो है वो रॉस आइलैंड रखा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मेमोरी के अंदर तो अभी तेईस जनवरी के आसपास आपने बहुत सारा जगह पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटोज और ये सब देखा होगा है ना 21, 21 ट्वेंटी जो है ना अंडमान निकोबार के उनको परमवीर चक्र के नाम पे विनर्स के नाम पे रखा गया है परमवीर दिवस आपका तेईस जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी के ओनर में आपका ऑब्जर्व किया जाता है आगे मैं इसकी डिटेल भी बता रही हूँ आप कुछ क्वेश्चन पहले बता दीजिए विद होम हैज हाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर लेकिन आपको सब्जियां अभी भी थैली में ही मिलती है, है single -use plastic को बैन करने की बात की जा रही है बट डिस्पाइट ऑफ दिस यूल गेट लॉर्ड्स ऑफ वैसा थैली ना आपके बाजार में चलिए कोई बात नहीं हिंदुस्तान यूनिलिवर किसके साथ कोलैबोरेट किया है वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए मतलब जो प्लास्टिक वेस्ट है उसके लिए अभी अपने इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पहले आप इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले याद रखो दिस नॉट एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन मतलब नीति आयोग जैसा कुछ भी नहीं है यूनेस्को डब्ल्यू और यू एनडीपी यहाँ पे आप यू याद रखो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये और साथ में हिंदुस्तान लीवर जो है इन्होंने भारत में प्लास्टिक वेट वेस्ट को रिसाइकिल करने की बात यहाँ पे की है सफाई साथी करके एक इन्होंने एजेंसी जो है वो अपनी ओपन की है जो भारत के अंदर ये जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिमूव करवाने में भारत की हेल्प यहाँ पे करने वाला है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है और ये आपकी पैंसठ है ना नाइनटीन और साल था दो नवम्बर ठीक है दो नवंबर 1965, दो नवंबर दो नवंबर 1965 को यूएनडीपी की स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम किसी भी कंट्री को ऐसे हेल्प की होती है डेवलपमेंट वगैरह के लिए या जैसे क्लीन के लिए सफाई के लिए तो यूएनडीपी हेल्प करता है ठीक है विच बीन सिलेक्टेड एज दी बेस्ट पुलिस स्टेशन फॉर 2022 रिसेंटली 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है तो आपके पुलिस स्टेशन भी देखे जाते हैं अब सर्वश्रेष्ठ का नाम मतलब है यहाँ पे रिपोर्ट्स जो दर्ज हुई आपकी जो प्रशासन है वो कैसे काम कर रहा है आपके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं आपकी कितना हेल्पफुल है मतलब आप कितना अप्रोचेबल हो लोगों की नजरों में ऐसा ना हो क्राइम्स हो रहे हैं लोग पुलिस तक नहीं आ रहे हैं पुलिस के पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है पुलिस जो है वो विजिलेंस अच्छे से नहीं कर रही है है ना इन सारे पैरामीटर्स को चेक करके विजिलेंस है रिपोर्ट अच्छे से हो रहा है क्राइम जो है कंट्रोल हो रहे हैं पुलिस जो है वो एक्सेसिबल है लोगों के लिए लोगों को हेल्प ही कर रही है उसको लेके आपका पुलिस स्टेशन जो है ये आपका कौन सा है कहाँ पे है पहले तो कौन सी बी अस्का लिख दें अस्का पुलिस स्टेशन जी बिल्कुल अस्का पुलिस स्टेशन करके याद रखिए अस्का पुलिस स्टेशन आपके उड़ीसा में लोकेटेड है ठीक है उड़ीसा और उड़ीसा के कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गंजम है ना गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अस्का पुलिस स्टेशन जो है वो लोकेटेड है और आपको पता है यहाँ पे सीधा सीधा ये जो अवार्ड दिया जाता है ये अमित शाह के लिए दिया जाता है मतलब अमित शाह के द्वारा दिया जाता है सीधा अवार्ड यहाँ पे होम मिनिस्टर आपके दे रहे हैं यहाँ पे उसके अलावा उत्तराखंड में था उत्तराखंड का जो आपका ये बनवासा बनवासा पुलिस स्टेशन ये आपका तीसरे नंबर पे है ये फर्स्ट नंबर पे अस्का है दूसरा आपका जो है ये गंगापुर है गंगपुर पुलिस स्टेशन तीसरा बन बनवासा पुलिस स्टेशन अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ए, सदर बाजार वाला ये आपका चौथे नंबर पे है जो पुलिस स्टेशन आपका अच्छे से यहाँ पे प्राइस बैक कर लिया है उसको कुछ पैसा वैसा दिया जाता है ताकि अच्छे से ना अपनी जो डेवलपमेंट है वो करा सके है ना हाल ही में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने कहा सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला ह्यूमन रेड रिबन चेन जो है वो आपकी बनाई थी बताइए जरा कहाँ की बात हो रही है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल मतलब इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे एड्स का प्रॉब्लम आपको पता ही है बात ये उन्नीस जनवरी 2023 की है एड्स इज डिजीज विच इज कॉज बाय द मलेरिया मलेरिया इसको फैला मलेरिया एड्स जो होती है ना ये वैसे आपकी वायरल डिजीज है बेसिकली लेकिन एड्स जो है वो इस तरीके की बीमारी है जो कॉम्युनिकेबल तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ ये फैलती है फ्रॉम अ पर्सन टू अनदर

बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो कमज़ोर होते चले जाते हैं बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो वीक होते चले जाते हैं इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो आ, आ, कहते हैं कि एड्स जो है वो ब्लड में ट्रांसफ्यूज हो जाता है ब्लड में चला जाता है तो स्प्रेड कैसे होगा अब ब्लड में है या किसी ह्यूमन के अंदर में है तो वो फ्लूड से जल्दी ट्रांसफर होता है यानी कि ब्लड से या फिर सीमन वगैरह जो होता है उससे तो इफ आ फीमेल इज हैविंग एड्स तो अगर फीमेल या मेल सेक्सुअल इंटर देखिए द पर्सन हु हैज एड्स अगर वो सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं किसी और के साथ या जहाँ इंजेक्शन जो कि एक एड्स के पर्सन को लगाया है आपने अगर किसी और को लगा दिया वही इंजेक्शन तो जो है वो स्प्रेड हो जाएगा फ्रॉम अ मदर टू इवन द फीटस एड्स जो है वो स्प्रेड हो चुका है मतलब एड्स स्प्रेड हो सकता है और इन सब में सबसे बड़ी चीज ये याद रखिए इस बीमारी की कोई दवा नहीं है एड्स एड्स की कोई बीमारी नहीं है काफी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ेशन जैसे नेशनल खोजने की कोशिश कर रहा है no जो कि आपकी एड्स के लिए यूज हो भुवनेश्वर करके याद रखें। हाल ही में असम के यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के लिए नामांकित जो है वो यहाँ पे किया गया ये आपके हॉकी स्टेडियम जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ हॉकी स्टेडियम वहां पे ये पूरा आपका श्रृंखला चेन जो है वो चलिए ये बताइए विच साइट ऑफ असम हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखिए कहते हैं कि भारत में इस समय वो तो टोटल मिला के आपके पास फिफ्टी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेशन के लिए आपने प्लेसेस रखे हुए हैं इवन uh, मतलब अगर मैं स्टेटमेंट को ऐसे बोलूं कि आज की डेट में भारत के पास कम से कम 52 ऐसे ऑस्पिशियस प्लेसेस हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको हम वर्ल्ड हेरिटेज कैटेगरी के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं ठीक है पर हर बार जो होता है हम पांच छ आठ दस ऐसा कुछ नॉमिनेशन करके भेज देते हैं उधर से आपके पास जो आपकी यूनेस्को वर्ल्ड यूनेस्को जो है वो डिसाइड करती है कि कितनों को आपके यहाँ पे अप्रूव करना है इस बार जो है वो भारत ने भेजा ही एक ही नॉमिनेशन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में आने के लिए सिर्फ एक ही ऐसी साइट है जो गई है अब इसको मिनिस्ट्रील लेवल पे डिसाइड किया जाता है किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है एंड यहाँ पे जो पीएम होता है उसका इसमें सबसे बड़ा हाथ हाथ होता है हाथ मतलब पूरी कमेटी जो है वो हेडेड बाय पीएम होती है तो जो भी कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी कुछ प्लेसेज और पीएम नॉमिनेट करने के लिए भेज देते हैं बाय द सिग्नेचर राइट अब यहाँ पे क्या है कि आपका एक ही नॉमिनेशन भेजा गया है और वो है आपके पिरामिड ऑफ आसम ठीक है पिरामिड ऑफ आसम इससे पहले पिर, आसाम की कोई अच्छा ये पिरामिड ऑफ जो है वो आसाम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं जो है अहोम डायनेस्टी कभी मैंने इसका नाम भी लिया होगा अहोम डायनेस्टी जो है वो आसाम को बिलोंग करती है पहले अः ये आपके जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो तो आजादी के बाद ही तो डिवाइड हुए हैं पहले आपका पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है ये क्या था ये आसाम ही तो था बाद में इसको नेफा हो गया तो अरुणाचल प्रदेश अलग कर दिया नागालैंड मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम असम से कटके जो है वो आपका मेघालय बन गया पहले पार्ट पूरा असम हुआ करता था और छोटा मोटा पार्ट जो है वो नेफा हुआ करता था नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी राइट बाद में इसको डिवाइड किया गया लेकिन अगर मैं डिविजन से पहले की बात करूँ तो ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो एक डायनेस्टी चलाती थी जिसको अहम डायनेस्टी बोला जाता है अहम डायनेस्टी भारत की उस डायनेस्टी में से बोला जाता है जिसने कभी भी ब्रिटिशर्स को जो इस पूरा एरिया है ना इसमें कभी एंटर नहीं होने दिया ब्रिटिशर्स ने बहुत ट्राई किया नॉर्थ ईस्ट एरिया को अपने पास लाने की और उसको सेल आउट करने की जैसे म्यांमार है बर्मा जो है वो भारत के पास ही तो था लेकिन बर्मा जो है वो ब्रिटिशर्स की वजह से भारत से अलग हो गया वरना आज म्यांमार जिसको हम बोलते हैं ना वर्मा वो भारत का ही हिस्सा था 1935 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था और ये सब ये लोग जो है आसाम तो नहीं जा पा रहे लेकिन बांग्लादेश पहले हमारा ही था बांग्लादेश तो पाकिस्तान के डिवीजन के बाद ही तो हमसे अलग हुआ है ना वरना बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल तो, उस पे, रीजन में। तो इसकी जो है, वो बहुत है, सोशली ये बहुत है और अगर वैसे देखिए वैसे भी प्लान वे में भी स्ट्रांग ही है तभी ब्रिटिशर्स को कभी एंटर नहीं होने दिया अपने एरिया में नॉर्थ ईस्ट हमारा वैसे भी नहीं होता राइट अब यहाँ पे जो है ना पिरामिड ऑफ असाम अहोम डायनेस्टी के द्वारा बनाया हुआ पूरा ये एरिया है जो लोगों ने पूरा क्रिएट किया था इसको सिमेट्री ऑफ रॉयल फैमिली के नाम से भी जाना जाता है और चाराडियो चाराडियो बोलते हैं ना चारा चाराइड चाराइड देव करके जगह है असम के अंदर वहां पे ये लोकेटेड है अच्छा इसके अलावा भारत के पास टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है चालीस करके याद रखिए जिसमें से थर्टी टू जो है ना वो आपकी कल्चरल बोली जाती है सेवन आपकी जो है नेचुरल साइट्स हैं और वन मिक्स साइट्स है आसाम से काजीरंगा और नेशनल पार्क ये ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में हैं। तो आपकी एक काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क ये दोनों आसाम से ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है अगर ये पिरामिड ऑफ आसाम को भी यूनेस्को जो है मान्यता प्रदान कर देती है तो भारत के पास तीन असम से ही हो जाएंगे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो इसको को याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है दिस इज अ पार्ट ऑफ योर आर्ट एंड कल्चर एज वेल एज योर जोग्राफी ठीक है और उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपने आप में एक अलग टॉपिक भी है नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पराक्रम दिवस इज अब इज सेलिब्रेटेड टू कमोमोरेट दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर कौन से साल से इसको शुरू किया गया था ईयर बता दीजिए यहाँ पे किस साल से इसको स्टार्ट किया गया था इस बार जो ट्वेंटी थर्ड जनवरी को ये ये ऑब्जर्व किया जाता है ये कौन सा इस समय पे साल था कुछ कुछ चीजें के साथ ही इसको बताइएगा पराक्रम दिवस कौन सी साल कौन से दिन को ऑब्जर्व किया जाता है तेईस जनवरी पराक्रम का मतलब होता है शौर्य वीरता जिनके द्वारा दिखाई जाती है इसी दिन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो है वो जन्म हुआ था 1897 के अंदर किसमें 1897 तो 1897 23 जनवरी को सुभाष चंद्र जी का बर्थ हुआ था उनका बर्थ एनिवर्सरी है इसीलिए और उनकी डेथ की जो डेट बोली जाती है वो 1945 है हालांकि इस पर कुछ कंट्रोवर्सीज है ये मैं आपको बता रही हूँ पहले कुछ कुछ चीजें जान लीजिए अगर मतलब उस हस्ती की बहुत ही ज्यादा महानता रही होगी जिसकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो आज भारत में ऑब्जर्व की जा रही है हालांकि जब इसको 2021 में शुरू किया गया था 2020-21 में जब शुरू किया गया था तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी वन ट्वेंटी फोर्थ एक सौ चौबीसवी राइट right. अब आप पे एक चीज याद एक एक <coughs> के लिए बोलते हैं अच्छा एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए जब भी हम इस चीज को यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड जब भी आपकी स्टेटमेंट दी जाती है तो आपको पता है कि जब इसको शुरू किया गया था पराक्रम दिवस को तो मोदी जी के द्वारा ये कोलकाता के अंदर डिक्लेयर किया गया था उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा इसको नेशनलाइज किया गया पॉलिटिसाइज किया गया नेताजी के नाम की ट्रेन जो है उसका एक ट्रेन का नाम भी नेताजी के नाम पे रखा गया इनका लाइफ क्या है एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं तभी तो इतना इंपॉर्टेंट नाम दिया होगा ना लेट्स टॉक अबाउट दी नेताजी देखिये पराक्रम दिवस जो है वो तेईस जनवरी को ऑब्जर्व करने की बात की क्योंकि और ये डिक्लेयर कब किया था ये डिक्लेयर किया था 19 जनवरी 2021 को ठीक है 19 जनवरी 2021 को पूरे भारत में ऐलान हो जाता है कि आज इसी साल से इसी महीने से 23 जनवरी से क्या होगा पराक्रम दिवस जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसके लिए एक प्रेस इशू जो है वो जारी किया और 120th बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टार्ट हो गया जब 19 जनवरी को ये डिक्लेअर हुआ था तब उनका 124th बर्थडे था 23 जनवरी को 125th जो है वो शुरू हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था ना वो 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा के अंदर हुआ था सबसे इंपॉर्टेंट बात कई लोग सोचते हैं कलकत्ता लेकिन मैं आपको बता दूं नेताजी सुभाष चंद्र जी का जो जन्म हुआ था वो कटक में हुआ था कटक जो है वो आपके उड़ीसा वाले भाग में यहाँ पे यार है। इनकी मदर का नाम था जानकी नाथ बोस और प्रभा फादर का नाम था जानकी नाथ बोस और मदर का प्रभावती नेताजी कटक जो है उसमें उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है जो आज आपके बंगाल प्रोविंस में देखिए प्रोविंस में जरूर आता है प्रांत में जरूर आता है लेकिन बंगाल में नहीं कई लोग इसको जो है वो बंगाल का हिस्सा बताते हैं कई कोई लोग जो है वो उड़ीसा का हिस्सा बनाते हैं तो आप इसको कटक जो है इसको आप बंगाल प्रोविंस जो है ना उसमें याद रखो और नेताजी के चौदह भाई बहन थे ठीक है फोर्टीन सिबलिंग्स जो है वो याद रख लीजिए तो यहां पे आ, 14 में से एक आपके सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे आ, कई लोगों के द्वारा कहना यह है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने शादी भी की थी एमिली शेंकल से जो कि एक टाइपिस्ट थी और एक मेडिकल ट्रिप पे ऑस्ट्रिया जाते समय उनको मिली थी और उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है अनिता बोस राइट लेकिन ना तो कभी इसके प्रमाण मिले ना कभी ऐसी कोई फोटो आई जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कहीं पे शादी का कोई जिक्र हुआ हो या उनकी बेटी जो है वो कभी भी ऐसे मीडिया में या कभी भी सामने आई हो इवन उनकी डेथ की कंट्रोवर्सी के टाइम पे भी शी नेवर अपियड इन द न्यूज और समथिंग अनिता बोस जो है उनका नाम क्लेम किया जाता है नेताजी की अगर लाइफ के लिए बात करें यहाँ पे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बी एम ए फिलोसफी फिलोसफी जो है वो की गई थी बी बैचलर ऑफ आर्ट्स में जो स्कॉटिक चर्च से कलकत्ता से उन्होंने की थी देखिए पढ़ाई जो है ना वो उनकी कलकत्ता से ही है पूरी की पूरी नेताजी की जो पूरी पढ़ाई बोली जाती है सुभाष चंद्र जी की वो कलकत्ता में ही हुई थी राइट यहाँ पे 1919 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई किया था 1919 में सिविल सर्विसेज का एग्जाम कई बार आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि जिस साल सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन सिविल सर्विसेज इंग्लैंड में जाके पास किया था उस साल सुभाष चंद्र बोस जी के सबसे ज्यादा नंबर थे इनफैक्ट कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने दिए गए टाइम से बिल्कुल हाँ आधे से भी कम समय में पूरा पेपर कंप्लीट भी कर लिया था एंड ही इन अ फर्स्ट रैंक 1919 1919 तक जो है ना मतलब में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज पास किया लेकिन 1921 के अंदर ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो उस जॉब को छोड़ के आ गए थे ये बोल के कि भाई उनको ब्रिटिशर्स जो है ना उनका उनके अंडर में काम नहीं करना उनके लिए काम नहीं करना है उसके अलावा ब्रिटिशर्स uh, के पास जब वो थे या ब्रिटिश uh, लाइब्रेरी वगैरह में थे तो उन्होंने काफी ज्यादा रेसिज्म भी फॉलो किया था मतलब रेसिज्म भी ऑब्जर्व किया था इंडिया के लोगों के अगेंस्ट जो है ना ब्रिटिशर्स के मन में बहुत ज्यादा भेदभाव कह लीजिए या घृणा कह लीजिए मतलब नास्टी फीलिंग जिसे कहते हैं ना पूरा नास्टी सिचुएशन है तो 1921 में उन्होंने इस चीज को छोड़ के यानी कि इस जॉब को छोड़ के इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो यहाँ पे ज्वाइन कर ली अब आईएनसी को अगर ज्वाइन कर रहा है कोई इतना बड़ा लीडर तो कोई ना कोई उसके पॉलिटिकल गुरु रहे होंगे कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु रहे होंगे तो आपने चित्रंजन दास जी का नाम सुना है काफी इंपॉर्टेंट नाम है हिस्ट्री में आप पढ़ते भी हो सी आर दास ठीक है चित्रंजन दास जी जो है वो इनके पॉलिटिकल गुरु बोले जाते हैं चित्रंजन चित्रंजन दास जी के द्वारा ही जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो पॉलिटिक्स में एंटर भी किए थे ठीक है आईएनसी को ज्वाइन भी उन्होंने सी आर दास जी के कहने पे ही जो है वो ऑब्जर्व मतलब ज्वाइन किया था लेकिन स्पिरिचुअल गुरु जो है सुभाष चंद्र जी के वो विवेकानंद जी हैं विवेकानंद जी के जो आइडियाज थे या उनकी जो मीटिंग्स वगैरह थी उनकी रिकॉर्डिंग सुनना या उन्होंने क्या स्टेटमेंट या क्या भाषण दिए थे वो सुभाष चंद्र जी फॉलो करते थे इस चीज को कंटिन्यू करते हुए आईएनसी में अपनी जगह बनाते हुए आ, 1923 में उनको प्रेसिडेंट भी बनाया गया आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे मेरी नेक्स्ट लाइन जो है वो इस फोटो को दर्शाएगी यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का आइडियोलॉजी जो है वो एंटायरली डिफरेंट था इनका आइडियोलॉजी और गांधी जी का आइडियोलॉजी कभी मैच नहीं करता था मतलब तो तो नेवर वांटेट, नेवर वांटेड वांटेड दी प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना ही नहीं रहना चाहते थे 1938 और 39 के जो सेशन थे हरिपुरी हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन वो सब दोनों सेशन जो है वो सुभाष जी के द्वारा जीते गए थे अब एक मतलब एक नॉर्मल सी बात है थोड़ी सी आ, ऐसी बात है कि भाई देखो जो चीज जो लोग उस कमेटी में हैं उस कांग्रेस मीटिंग में हैं उन्होंने ही तो वोट देके सुभाष जी को लीडर बनाया मतलब कमेटी या जो पूरी कांग्रेस है वो चाहती है सुभाष जी जो है वो बने प्रेसिडेंट आईएनसी के गांधी जी नहीं चाहते थे पिता राम पिता भाई पिता सीताराम है ना पिता पिता भाई सीताराम उन्होंने उनको खड़ा किया गांधी जी चाहते थे ये हट जाए जैसे कभी भी बी आर अम्बेडकर जी हैं उनकी गांधी जी से पटी नहीं है ना कभी भी सुभाष चंद्र बोस से गांधी जी की पटी नहीं या उनकी नहीं पटी या इनकी नहीं पटी बी आर अम्बेडकर को लेके तो आपकी पूरी पूना पैक्ट जो है वो मैंने आपको बताया था किस तरीके से आंसू आंसूओं से मतलब आंसू निकल रहे थे और उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया था बी आर अम्बेडकर जी ने उसी तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नाइनटीन और थर्टी में आई की प्रेजिडेंसी को छोड़ना पड़ा था ये छोड़ के आगे थे आईएनसी की प्रेसिडेंसी कि ऐसे तो काम नहीं होगा जब गांधी जी चाहते ही नहीं है ना तो आई वोट बी दार्ट ऑफ दिस आई सेशन गांधी जी नेवर सपोर्टेड टू थ्री पीपल्स इन योर हिस्ट्री कभी कभी गांधी जी देखिए हाँ पिता आ, पिता भाई सीता रमैया कभी कभी देखिए लगता है कि हाँ गांधी जी एक आइडल पर्सन है टू फॉलो लेकिन कुछ चीजें देखो तो लगता है कि अच्छा कुछ कुछ चीजें हैं 1942 में अब 39 के बाद गांधी जी आईएनसी वगैरह छोड़ के निकल आते हैं 1942 में वर्ल्ड वॉर द्वितीय जो आपका वर्ल्ड वॉर टू हुआ था उस समय नेताजी ने फाइव थाउजेंड की जो एक आ, सेना है वो अपनी बनाई थी एक आर्मी शुरू की थी जिसको उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का नाम दिया था और बाद में इसको दिल्ली चलो नाम का एक स्लोगन भी दिया था अच्छा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का सबसे बड़ा एक जो स्लोगन था वो यही वाला था ना तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तो ये स्टेटमेंट इस बेसिस पे है कि आजादी लेने के लिए खून बहाना पड़ता है और आपको किसी को लीडर बनाना पड़ता है उसी चीज को ये नेताजी जो है वो चल रहे थे वर्ल्ड वॉर टू में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक जो है एक नई पार्टी बनाई अब आ, कहते हैं कि जो अपोजिशन या अच्छा उस समय का अपोजिशन कौन होगा इनका ही तो होगा ना पूरा फैमिली नेहरू जी यही तो एक अपोजिशन पार्टी हो गया ना यहाँ पे और तो कोई है नहीं वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट किया जा रहा है जो आर्मी पार्टिसिपेट नहीं लेकिन एक आर्मी जो है वो पूरी तैयार हो रही है सडनली जापानीज वाला जो ये जापानीज ताइवान वाला जो क्षेत्र है उसमें नाइनटीन को जो सुभाष जी है ना उनके डेथ जो है वो हो जाती है ऐसा स्टेटमेंट जो है वो एक दिया जा रहा है कि एक प्लेन क्रैश हुआ उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई जबकि आइडियली उनकी किसी भी तरीके की कोई आ, कभी कभी मर जाता है उसकी पुष्टि कैसे की जाती है कि वो आ, उस प्लेन में थे तो उनके कुछ चीजें मिलेंगी उनके कुछ कपड़े मिलेंगे कुछ मेटल मिलेगा जो कि जलता नहीं है बट उस प्लेन से क्रैश करने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कुछ भी नहीं मिला था इवन समाइम ये स्टेटमेंट दी जाती है कि वो शायद उस प्लेन पे कभी चढ़े ही नहीं थे बाद में न्यूज आती है कि 1945 में सुभाष जी की मौत नहीं होती है 1950 में ना जोसेफ स्टेलिन जोसेफ स्टेलिन एक यहाँ पे एक पर्सन है जिसका मैं नाम ऐड करूंगी कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगी नाइनटीन में जोसेफ स्टेलिन के नाम जोसेफ स्टेलिन नाम के एक व्यक्ति के द्वारा Uh, कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र ने बोस जी की हत्या की गई थी लेकिन उसके बाद ये थ्योरी भी जो है वो डिक्लाइन कर दी जाती है भारत में आपको पता है गुमनामी बाबा के नाम से काफी फेमस ये फोटो आती है जहाँ पे बाद में जब इन गुमनामी बाबा का जो बॉक्स वगैरह खोला जाता है तो उसमें सुभाष जी की राइटिंग उनके फॉरवर्ड ब्लॉक उनकी ड्रेस जो थी आर्मी की वो सब जो है वो इन्ही के बॉक्स से मिलती है राइट अब कई लोगों का कहना है कि अगर ये इस एज में आके इनकी डेथ हुई है तो शायद बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें कहीं कभी किसी ने तो देखा होगा दर इज वन मोर फोटो विच आई नीड टू शो यू यहाँ पे शायद ये फोटो काफी ब्लर होगी लेकिन आप ये फोटो देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो खड़े हुए हैं ये है, है ताशकंद की फोटो जिसके अगले ही दिन जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी हो गई थी उनकी हत्या कर दी गई थी बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री जी का मर्डर हुआ था राइट कोई कितना भी बोले कि वो खुद से मरे थे एवरी पूरी दुनिया जानती है एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या इससे समझ रखता है उसको पता है कि नेताजी मतलब जो आपके आ, 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 हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे उनकी वहां पे हत्या की गई थी पॉइजन उनको दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या से एग्जैक्टली टू और वन आवर पहले उन्होंने अपने घर पे फोन करा था और उनकी जो माता जी है उनको ये बोला था कि वो एक ऐसे व्यक्ति को या ऐसे शख्स को अपने साथ लेके आ रहे हैं भारत जो जब भारत में आएगा तो कई लोगों की शायद सत्ताएं जो है वो हिल जाएंगी और एक धमाका भारत में होने वाला है लेकिन आफ्टर टू आवर ओनली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी हो जाती है इस फोटो को काफी ज्यादा एनालिसिस किया गया जो शास्त्री जी के वर्डिंग से उनपे गए और इस पूरे फोटो को निकाला तो वहां पे आपका एक पर्सन जो है वो काफी ज्यादा क्लियरली काफी सारी फोटोज में नजर आ रहा है पॉलिटिकल लीडर्स और जो एनालिसिस होते हैं एनालिस्ट होते हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी कि शायद सुभाष चंद्र बोस ही थे जो ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी को मिले थे अब वो यहाँ पे गुमनामी बाबा की तरह कैसे रह रहे हैं कैसे आए एग्जैक्टली exactly सुभाष चंद्र बोस जी की जो मृत्यु की कहानी है या ये जो इन्वेस्टिगेशन है जो हमेशा अनसोल्ड ही रही तो दिस इज ऑल अबाउट तो इसको यहाँ पे कई ज्यादा मतलब कई बार ये होता है कि कई बार जो है ना स्टेटमेंट को दिया जाता है कि क्या ही यहाँ पे कहा होगा जो कमीशन्स की रिपोर्ट देखो जो आई है जो कमीशन की रिपोर्ट आई है वो मान लीजिए कहीं बहुत ज्यादा हद तक ठीक भी होंगी मान लेते हैं लेकिन अगर आप इस इस थ्योरी को सॉल्व भी करते हो आपके पास पता नहीं है सुभाष जी की डेथ के लिए कई सारी थ्योरीज 1945 की थ्योरी उसके बाद 1950 की जोसेफ स्टेलिन की थ्योरी उसके बाद 1966 में सुभाष जी को देखा गया और सिर्फ यहाँ पे नहीं देखा गया तश्कंत में काफी जगह पे सुभाष चंद्र बोस जी को देखा गया मतलब ही माइट हैव गॉन टू सम प्लेसेस या तश्कन्त में जब वो आए हैं तो उससे पहले कहीं पे वो विजिट किए होंगे ये सारी फोटोज के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी

दिस इज यूज टू से जब लाल बहादुर शास्त्री जी की जो डेड बॉडी है वो इंडिया में आई थी तब वो किसी को टच नहीं करने दी थी लेकिन उनकी मदर जो थी ना उन्होंने अपने बेटे की बॉडी को जब टच किया था तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे बेटे को जहर दे के मारा गया है एंड दिस इज अ वेल सेड और वेल स्टेटमेंट एक वेल सेड स्टेटमेंट है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बॉडी के कई सारे ऑर्गन जो हैं वो गायब थे जब उनकी बॉडी इंडिया लाई गई थी और ऐसा काम जो है ना ये रशिया की आपकी एजेंसी है वो करती है जब भी वो किसी को मारती है ना तो उसके उसको हमेशा पॉइजन से मारती है और उसके बॉडी के सारे के सारे पार्ट्स जो है वो ऑर्गन जो है वो निकाल लेते हैं ताकि उस पॉइजन का कहीं पे भी डिटेक्ट जो है ना वो ना हो सके तो दिस इज अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कोई बोलता नहीं है खुलेआम हालांकि सुभाष चंद्र बोस को एटलीस्ट कुछ तो जो है ना इज्जत मिली गई ना कुछ टाइम के बाद ही सही चलिए कोई बात नहीं लाइफ में ऐसी ही होता है देवर बॉर्न लीडर्स सुभाष चंद्र बोस जी बॉर्न लीडर हैं मतलब पैदा होते के साथ ही जिसमें एक जज्बा होता है ना वो उन लोगों में से हैं जिनकी लाइफ को देख के एटलीस्ट वी शुड लर्न समथिंग है ना चलिए ये बताइए इंडियन नेवी रिसेंटली देखिये एक्सरसाइजेस तो भारत की जो आपने की ही है लर्न मेरे ख्याल काफी आपने लर्न भी कर लिया होंगी लेकिन आप डिफेंस वाले पार्ट को भी कहीं भूलिएगा नहीं एक्सरसाइजेस एंड डिफेंस ये दोनों पॉइंट आपको एक साथ करने हैं कालवारी क्लास जो है ये सबमरीन है पंडुबी है पंडुबी की इंपॉर्टेंस भारत ने बहुत अच्छे से 1971 की जंग में देख ही ली थी 1971 की वॉर के अंदर ना भारत के पास अगर रशिया के सबमरीन का जो है वो मदद नहीं मिलती ना तो इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता 1971 की पाकिस्तान से जंग लड़ना क्योंकि ब्रिटिश और यूएसए ये दोनों ही सबमरीन जो है ना ये हमारा यहाँ पे भारत को कैप्चर करने और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आ रहे थे लेकिन उस समय जो है ना की उसने भारत की हेल्प की थी तो आज भारत के पास भी 1971 के बाद से आज 2023 में भारत के पास छह सबमरीन हैं। इन सब की कुछ लाइफ होती है कुछ दिन के लिए इनको इंडक्ट किया जाता है फिर इनको आउट ऑफ सर्विस कर दिया जाता है तो आज भारत के पास छह सबमरीन है आप जरा मुझे ये बताइए कि जो पांचवी कलवारी श्रेणी शामिल की गई है उसका नाम क्या है ठीक है फिफ्थ वाली जो है ना हाँ फ्रांस के साथ एग्जैक्टली शिष्य फ्रांस के साथ मिलके ना हम ये सबमरी बनाते हैं पंडुबिया हिंदी में बोलते हैं इन पंडुबियों की खास बात ये होती है कि ये पूरी तरीके से पानी में चली जाती हैं छुपके वार कर सकती हैं और ऊपर भी आ जाती हैं और इनसे लॉन्च भी की जा सकती हैं मिसाइल्स वगैरह ठीक है अब मैं इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देने वाली हूँ ध्यान से सुनिएगा आंसर जो है वो इसका यहाँ पे पहले ही बता देती हूँ ताकि आप पीछे बाद में कंफ्यूजिया नहीं आई एन एस बागेर इसके लिए ही काफी ज्यादा न्यूज अभी आपकी आ भी रही है और वैसे भी ट्वेंटी जनवरी से पहले आपकी जो सब मरीन्स हैं मिसाइल्स हैं जेट्स हैं इन सब का एक बार चेक किया जाता है आपकी एक लिस्ट बनाई जाती है डेटा प्रिपरेशन जिसे कहते हैं वो किया जाता है तो एक बार इसकी बात हैं देखिए भारत में जो सब बनाई जा रही हैं पंडुबिया बनाई जा रही हैं ये प्रोजेक्ट नंबर सेवेंटी फाइव प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के नाम से इसको जाना जाता है इसके अंडर में भारत जो है वो बना रहे हैं सबमरी पैतालीस हजार करोड़ सोचो 45,000 करोड जो है वो पैसा भारत जो है वो इस पूरे प्रोग्राम पे लॉन्च कर रहा है खर्च कर रहा है यहाँ पे हेल्प ली जा रही है बेसिकली फ्रांस की तो जो आई एन वागीर बना है ना इसमें फ्रांस ने काफी ज्यादा मदद की है फ्रांस इस मामले में मतलब डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस या डिफेंस की मैं बात करू भारत बहुत ज्यादा भारत की बहुत ज्यादा हेल्प करता है और मेजेगॉन डॉक शिप यार्ड शिप बिल्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन्होंने इसको बनाया है जो कि महाराष्ट्र में आपके लोकेटेड है दो तक सबमरीन न्यूक्लियर भी आपके

आप में से कोई अगर एन का बच्चा है तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा एन में आर आर भी क्वेश्चन पूछती ही पूछती है ठीक है यहाँ से एक क्वेश्चन आपको प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव या सबमरीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिफेंस अगर आपको करना है आप किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबमरीन इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सिलेबस राइट आपसे एन में पूछा है एएलपी में भी पूछेगा ए तो और ज्यादा टेक्निकल है तो यहां से तो पूछना बनता है आई एन एस हो गया तो फिर से शुरू करें कालावरी इसीलिए वर्ड यूज किया जाता है कलवारी बोलते हैं खांदेरी करंच वेला वगीर और बाघ शीर प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव सबमरीन बनाना कौन कौन मिलके बना रहा है एक बार ये देख लो यहाँ पे फ्रांस जर्मनी साउथ कोरिया रशिया और स्पेन इन फॉरेन कंट्रीज की हम हेल्प कर रहे हैं पांच है अब इसमें याद रखना ना तो आप यूके की हेल्प ले रहे हो आप यूएसए की हेल्प ले रहे हो कहीं से भी यूनाइटेड किंगडम और यूएसए ऑस्ट्रेलिया इनकी आप हेल्प नहीं ले रहे हो आप फ्रांस की जर्मनी की साउथ कोरिया की रशिया की और स्पेन की हेल्प ले रहे हो भारत के यहाँ पे दो शिपयार्ड हैं जो इसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं मतलब भारत का मेजर रोल है उसके बाद हम बाहर की किसी कंट्री से हेल्प ले रहे हैं जिसमें लार्सन एंड टब्रो एल एन टी जो आप बोलते हो लार्सन एंड लार्सन एंड टुब्रो है ना एल एन टी के आपने काफी सारे बोर्ड देखे होंगे लार्सन एंड टुब्रो इज अ वेरी वास्ट कंपनी भारत के हिसाब से अगर बोले तो ये जो आपकी जो नेशनल एक्सप्रेस वे कंस्ट्रक्शन जो अभी आपकी होती है वो सब लार्सन एंड टुब्रो कराती है उसके अलावा शिप यार्ड बिल्डिंग में भी और उसके अलावा आपकी सब में भी ये लोग शामिल है उसके अलावा आपका मेजेगॉन डॉक शिप शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है ये लोग भी इसमें यहाँ पे हेल्प करें अरिहंत जो बनाई थी ना अरिहंत क्लास सबमरीन जो आपकी बनी थी वो आपकी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी लार्सन एंड टबरों के द्वारा अब देखो आपकी जो पंडुबियां होती हैं वो कुछ इस तरीके से नजर आती हैं 14 दिसंबर 2017 को पहली बार आईएनएस कलवारी ये पहली बार ऐसे ऑफिशियली आपकी रिप्रेजेंट की गई थी <laughs> इसमें मेक इन इंडिया का आपको शेयर भी नजर आ रहा होगा क्योंकि पूरी की पूरी भारत ने बनाई थी मेजेगॉन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड लिखा है और आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा मेड इन इंडिया का जो बोर्ड है साइन है वो भी लिखा हुआ है तो आईएनएस कलवारी कंप्लीटली जो है ना वो इंडिया ने बनाई थी अरिहन क्लास न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन सबमरी एल एन टी बनाया था इसको जरा याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट आपको ये ये हेल्प करने वाला है है ठीक उसके अलावा आपका सेकंड स्कॉर्पियन जब ये चलता है ना तो ये ऐसे छुप जाता है पूरा पानी के अंदर कंप्लीटली भी चला जाता है सेकेंड स्कॉर्पियन जो है वो आई खंडारी हो गया ये आपका जनवरी दो में लॉन्च किया गया था अभी ट्रायल में है ठीक है आई करंज तीसरा वाला है ये मुंबई में लॉन्च हो गया है और ये आपका थर्ड सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास का आई एन एस वेला यहां पे नजर आ रहा है आपको आई एन एस वेला ये फोर्थ वाला सबमरीन है जो कि मेजेगोन डॉक्स लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया वेला जो है वो आपका इंडिजिनियस है कंप्लीटली डिजाइन किया गया है भारत के अंदर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में इसका कोई भी पार्ट आपने भारत से नहीं लिया गया है और वेला की सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें भारत ने आपका काफी ज्यादा आगे बढ़ गया है इस चीज में टेक्नोलॉजी में वेला का कोई भी रडार कैच नहीं कर सकती मतलब कोई भी ऐसा रशिया की होती है रशिया के पास ही पावर है और इसराइल के पास पावर है जब वेला बनी थी तो वो यही न्यूज में आया था कि इसराइल के बाद भारत के पास भारत दूसरा ऐसा कंट्री बन गया जिसके पास एक ऐसी सबमरीन है जिसको रडार भी कैच नहीं कर सकता ठीक है तो रडार से कैच नहीं हो सकती है पूरी तरीके से पानी में चली जाती है कई फीट ये जो है ना वो पानी में चली जाती है और वहां से वॉर कर सकती है लाइक पानी के माध्यम से जो लड़ाई है ना वो आपकी सबमरीन करती है दुनिया में काफी कम कंट्रीज है ऐसे जो ये सबमरीन की जो पावर है इसको होल्ड करते हैं और इंडिया उन्हीं में से एक है ठीक है आई एन एस वागीर करके याद रखिए हाँ जी एल एन टी जो है वो राम मंदिर में भी आपका हेल्प कर रहा है तो एल एन टी एल एन टी करके हाँ, आपकी जो है, वही मैंने लिखा। IN, मैंने लिखी नहीं है ना यहाँ पे किसी भी तरीके से जो है उसका कंस्ट्रक्शन अभी बाकी रह गया है और ये अभी कंप्लीट होने के चरण में है तो वो आपको अभी नजर नहीं आएगा वागसीर आपका नजर नहीं आएगा ठीक है अब ये टेन ही क्वेश्चन थे ना टेन क्वेश्चन में हो गया पूरा फिफ्टी टू मिनट राइट मतलब आई हैव स्टार्टेड मिनट्स लेट ऑल्सो मिनट्स ट क्वेश्चन में अगर एक्सप्लेन करके दिया जाए तो दिस इज व्हाट और ये आपको बहुत हेल्प करेगा जो भी आज की क्लास है जिस तरीके से हुई है ना दिस विल हेल्प यू अ लॉट यहाँ से एक क्वेश्चन समझ लो आपके आगे के किसी भी एग्जाम में आना ही आना है सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट राइट उसके अलावा आर आर वी एल पी एंड टेक्नीशियन की जो क्लास है वो आपकी शुरू हो चुकी है आज इसकी सेकेंड क्लास है और क्लास एट फिफ्टीन पे होगी भाई मैं पहले ही बता देती हूँ कम से कम दस से पंद्रह फिजिक्स केमिस्ट्री ईच एंड एवरी टॉपिक एमसीक्यूज और सिर्फ नेक्स्ट वीक तक का मतलब इस वीक तक का जो इसका प्राइस है वो फोर ही है राइट एनसीआर न्यूमेरिकल एनवायरमेंट क्वेश्चन मतलब कंप्लीट साइंस आप इंडिया का कोई भी साइंस का एग्जाम दे रहे हो कोई भी

इन दो लोगों की वजह से मुझे पता था कि दिस क्लास गोइंग टू बी लॉन्ग इसीलिए मैंने और को क्वेश्चन जो है ना ऐड नहीं किए थे तो एक बार इसको ज्वाइन कर लीजिए इस बैच का आपका अभी 499 जो है वो अमाउंट है क्लास 24 में जाके आप ये बैच ज्वाइन कर लो राइट वहां पे आपको प्रिपरेशन वाले सेगमेंट में साइंस स्पेशल बैच जो है वो नजर आएगा दिस इज गोइंग टू बी एकदम बढ़िया से कहते हैं ना बहुत ही शानदार बैच होने वाला है अगर आप डेडिकेटेडली साइंस चार से पांच महीने में कवर करना चाहते हैं कंप्लीट हो जाएगी अगर तो ए है सो so, मैं आपको मिलती हूँ क्लास में एट फिफ्टीन पे सारे बच्चे आठ पंद्रह पे ही आएगा प्लीज करके है ना तो अभी से दस पंद्रह मिनट है लेट्स मीट थैंक यू सो मच बाय बाय गुड नाइट टेक केयर इस क्लास की पीडीएफ क्लास ट्वेंटी और टेलीग्राम और नेक्स्ट क्लास आपकी कल शाम को सात बजे थैंक यू सो मच बाय बाय गुड नाइट